हार्टफुलनेस के संदर्भ में योग सूत्र। कमलेश पटेल, परी सिस्टम। पुरुषोत्तम यशवंत देश पांडे द्वारा लिखित द ऑथेंटिक योग पतंजलि के योग सूत्र पर एक सबसे शुद्ध और सबसे विचारो तेजक व्याख्या है, और यह इस तथ्य को दर्शाती है कि इसे योग की मूल भावना में ही लिखा गया है, अर्थात यह योग के उस प्रत्यक्ष बोध पर आधारित खोजों का संग्रह है जिसे देश पांडे जी ने शुद्ध दर्शन दसी मात्रता कहा है। उन्होंने योग सूत्र पर अन्य किसी लेखक की व्याख्या का संदर्भ नहीं लिया है, बल्कि केवल उस ज्ञान का संदर्भ लिया है जो शुद्ध दर्शन दसी मात्रता की प्रक्रिया से उनके भीतर से प्रकट हुआ है। शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र, जिन्हें कई लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, सहज मार्गदर्शन में बताते हैं कि यह शुद्ध दर्शन असली दर्शन की पहचान है। वे कहते हैं, दर्शन कोई तर्क पर आधारित विषय नहीं, अपितु अंतर बोध पर आधारित विषय है। दर्शन का आरंभ संसार से नहीं होता, जैसा कि अधिकतर पश्चिम के दार्शनिक मानते हैं, अपितु विस्मय से होता है। दार्शनिकों ने किसी चीज को अभ्यास द्वारा जीवन में उतारने से पहले ही प्रायः उसे समझाने का प्रयास किया है, जैसा कि अधिकांश पश्चिम के दार्शनिक करते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दार्शनिक होने के नाते भ्रष्ट या निकृष्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यवहारिक जीवन जीते हुए यदि उसने चीजों का अध्ययन किया है तो भ्रष्ट होने की कोई संभावना नहीं रहती। भारत के ऋषि मुनियों ने पहले एक व्यवहारिक जीवन जीकर फिर दर्शन का प्रयास किया है। अपनी प्रगति के स्तर से जहां तक उनसे हो सका, उन्होंने अस्तित्व में मौजूद चीजों के रहस्य खोले हैं। इसका परिणाम विभिन्न मत रखने वाली दर्शन की 6 धाराएं हैं। अपना अभ्यास समाप्त होने पर हमें हमेशा अपने अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, चीजों में यथार्थता लाने के लिए। यही एक विशेष बिंदु है जो दार्शनिकों को नोट कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम यशवंत देश पांडे ने बिल्कुल यही किया है। परिणाम स्वरूप उनके निष्कर्ष सच में मौलिक एवं रचनात्मक है तथा योग की वास्तविक भावना के साथ अनुनादित होते हैं। सूत्र हमेशा बीज रूप में होते हैं और अभ्यासकर्ताओं को स्वयं अनुभव करने के लिए अवधारणाओं का सार प्रदान करते हैं। देश पांडे जी के शब्दों में ज्ञानियों ने कहा है कि सूत्र संचार का वह माध्यम है जिसमें सार्वभौमिक महत्व का एक सत्य न्यूनतम संभव सुस्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त कर दिया जाता है और जो समय के थपेड़ों से फीका नहीं पड़ता। ध्यान के द्वारा सूत्रों को खोलने का यह प्रयोगात्मक तरीका साक्षात अनुभव एवं बोध पर आधारित है, जिसमें शुद्ध दर्शन के परिणाम स्वरूप सूत्रों का असली अर्थ प्रकट होता है। इसके परिणाम दूरगामी होते हैं, जिन्हें देश पांडे जी ने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया है। इन सूत्रों में वर्णित ईश्वर प्रणिधान का मार्ग पूर्व या पश्चिम में प्रचलित ईश्वर की सभी अवधारणाओं से कहीं आगे जाता है। अस्तित्व को योग के दृष्टिकोण से समझने में कोई मान्यता या रूढ़ी वादिता नहीं होती। योग उच्चतम स्तर का विज्ञान है तथा आधुनिक निष्कर्षात्मक विज्ञान से कहीं अधिक यथार्थ है, क्योंकि यह संवेदी आंखों तथा प्रवृत्त मन और इस प्रकार व्यक्तिगत निष्कर्ष की निर्भरता से आगे का विज्ञान है और इसीलिए हमें शुद्ध निर्मल बोध की दुनिया में ले चलता है। असल में हम कह सकते हैं कि एक सक्षम योगी द्वारा किया जाने वाला योग प्राचीन काल से आज तक मनुष्य को ज्ञात एकमात्र साक्षात विज्ञान है, और पतंजलि का यौगिक मनोविज्ञान भी आज तक का एकमात्र यथार्थ मनोविज्ञान है। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि इन सूत्रों को शामिल किए बिना आधुनिक मनोविज्ञान अधूरा रहेगा। मार्गरेट नोबल, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी तथा जिन्हें बहन निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, कि शब्दों में भारतवर्ष निस्संदेह मनोविज्ञान की समझ रखने वाले लोगों की धरती है। भारतवर्ष में मनोविज्ञान का अध्ययन प्राचीनतम समय से एक विज्ञान के रूप में किया जाता रहा है। यहाँ तक कि बहुत पहले जब लिखने ज्ञान को विविध करने का महत्व भी संदेहास्पद था, तब भी घटनाएं विचारों व अवलोकन के आदान प्रदान के माध्यम से लोगों की चेतना में शांतिपूर्वक दर्ज होने लगी थी। वैज्ञानिक जांच में किसी उपकरण व प्रयोगशाला के योगदान की कल्पना से
हजारों वर्ष पहले ही भारतीय विज्ञान में प्रयोगों का युग इस विशेष रूप में पूर्णता विकसित हो चुका था। अपनी टीकाओं में यही तरीका अपनाते हुए देशपांडे जी हमें धर्म और आधुनिक विज्ञान दोनों की मान्यताओं से परे ले चलते हैं। इसमें किसी पूर्व किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार ये सूत्र सभी विचारधाराओं वाले या किसी भी विचारधारा में विश्वास न रखने वाले दोनों प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त है। वे सभी के प्रयोगार्थ हैं तथा किसी संस्कृति विशेष या दर्शन विशेष से संबंधित नहीं है। जिन अवधारणाओं को ऋषि पतंजलि बीज रूप में समझाने का प्रयास करते हैं देशपांडे जी उनके अर्थ को गहराई से भांप लेते हैं। इसलिए जब हम उनकी टीकाओं को पढ़ते हैं तब हमें सूत्रों का मूल पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के अनुसंधान में कुछ और जोड़ने व उनको आगे बढ़ाने के लिए हार्टफुलनेस जो अद्वितीय चीज प्रदान करता है वह है हार्टफुलनेस द्वारा विकसित कुछ योगाभ्यास। यह अभ्यास उन अनुभवों को आसान बना देते हैं जिनका वर्णन उन्होंने किया है। हार्टफुलनेस अभ्यास बाबूजी व उनके गुरु दादा जी के मौलिक अनुसंधान के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामने आए। इनमें से पहला अभ्यास प्राणाहुति के साथ ध्यान है। ध्यान हृदय पर आधारित है तथा प्राणाहुति इसे अद्वितीय बना देती है। प्राणाहुति शब्द प्राण और आहुति से मिलकर बना है। प्राण जीवन शक्ति है, अस्तित्व का सार है तथा आहुति का अर्थ है अर्पण करना। अतः प्राणाहुति को देते समय योग के जिज्ञासु को अनंत स्रोत से जोड़ एक क्षमतावान योगी द्वारा प्राणों का सूक्ष्मतम स्वरूप अर्पित किया जाता है। वह योगी अनंत स्रोत से खींचने की योग्यता रखता है और बिना किसी कभी स्वयं खाली हुए प्राणाहुति देना जारी रख सकता है। यह शोध शुद्ध प्रेम का भी सार होता है। अतः प्राणाहुति की एक अन्य परिभाषा योगी के हृदय से जिज्ञासु के हृदय में शुद्ध प्रेम की भेंट है। लेकिन ये परिभाषाएं भी बहुत भारी हैं क्योंकि प्राणाहुति तो स्वयं अनंत स्रोत से परम शून्यता से आती है जहाँ स्पंदन भी नहीं होते। यह शून्यता का परम सार है, यह अवर्णनीय है। प्राणाहुति का वर्णन करना असंभव होते हुए भी मनुष्य तंत्र पर इसका प्रभाव असाधारण होता है। हर जगह उपलब्ध होने पर भी यह हार्टफुलनेस ध्यान के दौरान प्रायः एक क्षमतावान योगी द्वारा जिज्ञासु को अर्पित की जाती है। इसकी उपमा सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर सूर्य का प्रकाश मौजूद है जिससे वातावरण को गर्माहट प्राप्त होती है और जीवन पनपता है। और हम जानते हैं कि इसके बिना धरती पर जीवन नहीं रह सकता। लेकिन सौर ऊर्जा की शक्ति का साक्ष्य हमें तभी मिलता है जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं। केंद्रित होने पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। इसी प्रकार यद्यपि प्राणाहुति भी हर जगह और हर समय आसानी से उपलब्ध है लेकिन एक क्षमतावान योगी ही सूक्ष्मतम प्राणों के इस सार पर एकाग्र होकर उसे अपने हृदय से जिज्ञासु के हृदय में प्रेषित कर अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकता है तथा उस शुद्ध दर्शन की प्रक्रिया को आसान बना सकता है जिसका वर्णन देशपांडे जी ने अपनी टीकाओं में किया है। देशपांडे जी ने संस्कारों को दूर करने की आवश्यकता के विषय में भी लिखा है। ये संस्कार अतीत के अनुभवों की छापे हैं जो मन को प्रवृत्त करती हैं। छापों की ये बेड़ियां जिन्हें हम एक जीवन से दूसरे जीवन में ढो रहे हैं उनसे मुक्त होने में प्राणाहुति हमारी मदद करती है। उनको किसी भौतिक वस्तु की तरह नहीं हटाना है। वे तो कपड़ों की सिलवटों के समान है जिन्हें स्त्री से दूर करना होगा। संस्कारों की ये सिलवटें जो मन में तरंगे उत्पन्न करती हैं प्राणाहुति से किसी प्रकार या हम कह सकते हैं कि जादुई तरीके से दूर हो जाती हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता फिर भी अनुभव दिखाता है कि प्राणाहुति संस्कारों की जड़ों तक पहुंच जाती है और उन्हें दूर कर देती है। कभी कभी तो यह उन्हें पूर्णतः खत्म या बाष्पीकृत करके छापों के स्पंदनों को शून्य कर देती है। इकट्ठा की हुई बत्तियों को दूर करने का यही पहलू जिज्ञासु के बोध को स्पष्ट बनाता है। इसी कारण हार्टफुलनेस अभ्यास भाग के इक्के सूत्र दो योगश चित्त वृत्ति निरोधा के पूर्णतः अनुरूप है। वह इसकी पूर्ति करता है तथा परिणाम स्वरूप
और भी लाभ प्रदान करता है। हार्टफुलनेस का कोई अभ्यासी जब प्राणभूति के बारे में सोचता है तब उसका प्रवाह आरंभ हो जाता है। वह जहाँ भी हो उसे तक्षण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्राणभूति भौतिक नियमों से नहीं बनी। यहाँ तक कि प्रकाश भी तक्षण नहीं पहुँच सकता। यदि हम आइंस्टीन के E=mc² में प्रकाश के वेग को अनंत कर दें तो ऊर्जा अनंत हो जाएगी, इस प्रकार उसका स्रोत भी अनंत हो जाएगा। यही प्राणभूति है। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत जो प्राणभूति को समझने में हमारी मदद करता है वह एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी भी तंत्र में अव्यवस्था की माप है। एंट्रोपी का स्तर नीचा रखने के लिए एक स्थिरकारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे कि तंत्र बिखर ना जाए। जब हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है तब हमारा तंत्र अस्थिर और अव्यवस्थित होता है, और जब हम भीतर अपने केंद्र की ओर मोड़ते हैं तब वह स्थिर हो जाता है। प्राणभूति स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान भीतर की ओर मोह देती है, जिससे हमारा तंत्र अत्यधिक स्थिर हो जाता है और अव्यवस्था कम से कम हो जाती है। हमारा केंद्र क्या है? देशपांडे जी के शब्दों में, यह दृष्टा है जो दृश्य से अलग है तथा जिसका अनुभव हम समाधि में करते हैं, जो अष्टांग योग का 8वां अंग है। प्राणभूति के प्रभाव को हम विश्रांति, मन की स्थिरता, स्थित भावनात्मक संतुलन तथा शांति के रूप में अनुभव करते हैं। हम चित्त की सबसे परिष्कृत अवस्था में पहुंचते हैं, जहां सभी समस्याओं का उत्तर व समाधान मिल जाता है। अतः समाधि की अवस्था प्राप्त करने पर हम जीवन की शाश्वत समस्या को वास्तव में सुलझा लेते हैं। हमें एहसास हो जाता है कि सभी प्रकार की जटिलताओं के उत्तर पुस्तकों में नहीं बल्कि चित्त की इस शुद्ध अवस्था समाधि की प्राप्ति में मिलते हैं। जैसे ही अभ्यासी पहली प्राणभूति प्राप्त करता है, आत्मा को पोषण मिल जाता है और जीवन में चारों ओर उसी प्रकार एक ताजगी आ जाती है, जिस प्रकार मानसून की पहली बारिश से पेड़ों में ताजगी आ जाती है। यह पोषण योग के उन सभी अनुभवों में सहायता प्रदान करता है जिनका वर्णन देशपांडे जी की इन टीकाओं में किया गया है। जब हम अपने मन को नियमित करने में और चित्त की विभिन्न परतों को भेदने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते, तब हमारी सहायता को, जागरूकता को सहारा देने के लिए प्राणभूति एक राठी या बैसाखी का कार्य करती है, जिससे कि वह भीतर की ओर मुंह कर अन्य आयामों में विस्तृत हो सके। यह हमें चित्त के एक स्तर को पार कर दूसरे स्तर में पहुंचने, अधिचेतना में उड़ान भरने तथा अवचेतन मन की गहराइयों में गोता लगाने में मदद करती है। यही इसकी प्राथमिक भूमिका है। प्रशिक्षक के साथ हार्टफुलनेस ध्यान के प्रथम सत्र में ही हम प्राणभूति प्राप्त कर लेते हैं, और जब हम प्राणभूति के साथ और प्राणभूति के बिना ध्यान में अंतर का अनुभव करते हैं, तब योग की इस यात्रा में मिलने वाले प्राणभूति के सहारे को हम पहचान लेते हैं। मन से संस्कारों को दूर करने में और अधिक मदद के लिए लाला जी और बाबू जी दोनों ने मिलकर सफाई का एक दूसरा अभ्यास भी बनाया, जो प्रत्येक दिन के अंत में किया जाता है। उन्होंने मालूम किया कि यद्यपि ध्यान अपने आप में प्रभावी है, लेकिन वह और अधिक प्रभावी हो जाता है जब इसे इस पूर्वक अभ्यास का सहारा मिलता है। यह पूर्वक अभ्यास अतीत की छापों को दूर करने में इतनी तेजी ले आता है कि इसने योग में एक क्रांति ला दी है। सफाई संस्कारों को दूर कर चित्त को शुद्ध करती है, और इस प्रकार जिज्ञासु को प्रवृत्ति मन पार कराकर सत्य के शुद्ध बोध के क्षेत्र में प्रवेश करा देती है। इस बोध को देशपांडे जी ने शुद्ध दर्शन कहा है। सफाई में नित्य अभ्यास के अतिरिक्त जिज्ञासु किसी प्रमाणित प्रशिक्षक के साथ ध्यान के नियमित सत्रों में भी भाग लेता है, जिसमें प्रशिक्षक जिज्ञासु की इतनी गहरी सफाई करता है कि यदि जिज्ञासु संस्कारों को निकलने देना चाहे तो उस एक सत्र में उसके जीवन भर के संस्कार दूर किए जा सकते हैं। हार्टफुलनेस का तीसरा अभ्यास प्रार्थना हमें हृदय के भीतर एक शून्यता पैदा करने की स्थिति के लिए तैयार करता है, जो एक योग सूत्र में बताई गई शून्यता की निरोध अवस्था जैसी है। इसके माध्यम से हम सूत्रों में कथित पर वैराग्य के साथ सांसारिक अस्तित्व से परे समाधि की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में सोच से जोड़ जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य योग के साधन हैं, और हार्टफुलनेस इन अभ्यासों से दोनों ही स्वाभाविक रूप से
और बिना किसी प्रयास के विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वैराग्य कोई अभ्यास नहीं अपितु अभ्यास का परिणाम है। इसके बाद बाबूजी ने हमें 10 उसूल भी दिए हैं, सार्वभौमिक जीवन शैली के 10 मार्गदर्शक सिद्धांत, जो दिन प्रतिदिन के जीवन में पतंजलि अष्टांग योग के पहले 5 अंगों यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार की जरूरत को पूरा करते हैं। ये 10 सरल मार्गदर्शन सिद्धांत प्रथम 5 अंगों को अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों धारणा ध्यान और समाधि के अभ्यास से आए आंतरिक परिवर्तनों की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से जीवन में उतारने योग्य बनाते हैं। 10 उसूलों पर अपनी व्याख्या में बाबूजी आंतरिक संसार को, जिस पर हम संयम के द्वारा प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति के साथ यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार के बाह्य अभ्यास के माध्यम से जोड़ देते हैं। हार्टफुलनेस के अभ्यास योग सूत्र में दिए गए सिद्धांतों को समझने और अनुभव करने के लिए नई संभावनाएं निर्मित करते हैं। जिस प्रकार पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे एक योग दर्शन की बात करते हैं, हम हार्टफुलनेस गुरुओं की दूरदृष्टि के आभारी हैं कि हम भी 20वीं शताब्दी में मानवता को अर्पित इस क्रांतिकारी अभ्यास के आधार पर, जो आज पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध है, एक परिवर्तित योग दर्शन का प्रस्ताव दे सकते हैं। उस पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे बाबूजी और सचमुच पतंजलि में हम जिस मानसिक प्रतिभा जिज्ञासा भाव व प्रत्यक्ष बोध की होने की इतनी प्रशंसा करते हैं, वह हम में से बहुत कम के पास है। लेकिन प्रावहूति के साथ ध्यान सफाई प्रार्थना एवं 10 उसूलों के हार्टफुलनेस अभ्यासों की सहायता से हम में से बहुत लोग पतंजलि के योग सूत्रों में बताई गई उन अवस्थाओं को महसूस कर पाएंगे, जिनकी व्याख्या पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे ने अपनी उत्कृष्ट टीका में बहुत सुंदरता से की है। थैंक यू वेरी मच मास्टर, थैंक यू वेरी मच यशवंत जी आपके योग्य मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू और आप सबको हृदय से विनम्रता से नमस्कार प्रणाम।